हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बासी रोटी से बहुत ही अच्छी सी बहुत ही यूनिक रेसिपी बना रहे हैं। इसे आपने अगर एक बार ट्राई किया तो यकीन मानिए आप हर बार जानबूझकर आप बासी रोटी बचाएंगे और इसकी यही रेसिपी बनाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही आगे जो है बहुत ही अच्छी होने वाली है, तो आप इसे बिना स्किप किए देखिए। तो फिर यहाँ हमने जो है कढ़ाई में रख दिया तेल गर्म होने के लिए। तेल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए और उसके बाद हम इसमें जो है रोटी को डालेंगे। तो ये देखिए, तेल में जाते ही रोटी बहुत ही अच्छे से बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूल गई है, बिल्कुल जिस तरह से पूड़ी फूल जाती है उसी तरह से फूल गई है। और इस रोटी को हमें एकदम से सुनहरे कलर का जो है इसे तल लेना है। तो दोनों तरफ से बिल्कुल क्रिस्पी सुनहरा हमें इसे तल लेना है। और इसी तरह से हम जो है चारों रोटी को तल ले रहे हैं तेल में। तो तलने से जो है इस जो है रेसिपी में बहुत ही अच्छा जो है टेस्ट आएगा। तो यहाँ देखिए, हमने जो है चारों रोटी को इस तरह से तेल में फ्राई कर लिया है। और अब हम जो है इसे अच्छे से, ये हमारी रोटी ठंडी हो गई है और अब हम इसे इस तरह से तोड़ ले रहे हैं, इसका चूरा कर दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में, इस रेसिपी में इस स्टेप को करना बहुत ही ज़रूरी है। रोटी को हमें तलना भी ज़रूरी है और इस तरह से इसे चूरा करके। और अब हम लेंगे एक ग्राइंडर जार और उसमें जो है हम इसे थोड़ा थोड़ा डालकर इसका जो है बिल्कुल बारीक फाइन पाउडर बना ले रहे हैं। तो हमें जो है इस रोटी को बिल्कुल बारीक पाउडर की तरह पीसना है। इसके जो है बड़े बड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए, बिल्कुल बारीक सा पीस लेना है। तो ये देखिए, हमारी जो है रोटी बिल्कुल बारीक से पीस गई है। इसी तरह से हमने सब रोटी को पीस लिया है। तो ये देखिए, रोटी का पाउडर हमारा बनकर के तैयार हो गया है। और अब जो है हम लेंगे एक, अगर आपके पास ट्रे हो या केक वाला ट्रे हो तो कोई प्लेट थाली आप कुछ भी ले सकते हैं। तो उसमें जो है इस तरह से एक बटर पेपर इस तरह से लगा दें। तो इस और अब हमने पैन गर्म किया। पैन में हम आधा कप चीनी डालेंगे और आधा कप चीनी हम बचा लेंगे। तो चीनी को हमें इसमें पानी नहीं डालना, हम बगैर पानी के ही इसे एक से दो मिनट बनाएंगे। तो हम इस चीनी का जो है कैरेमल बना रहे हैं। तो इस कैरेमल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इस मिठाई में। तो ये देखिए, चीनी हमारी अच्छी से मेल्ट हो गई है और अब इसमें जो है हम डालेंगे दूध। तो हम एक गिलास दूध डालेंगे। कैरेमल जो है अब धीरे धीरे जो है अच्छे से आप इस तरह से चलाते रहेंगे तो कुछ देर में वो बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इस दूध का कलर भी चेंज हो गया है। और इसमें अब जाएगा बहुत ही ख़ास चीज़, इसमें हम डालेंगे एक चौथाई चम्मच हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। तो हमें ज़्यादा नींबू का रस नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे। अगर ज़्यादा डालेंगे तो दूध हमारा फट जाएगा। तो हमें दूध को एकदम से फाड़ना नहीं है, बस हल्का सा उसमें जो है थोड़ा थोड़ा सा वो फटना चाहिए, बिल्कुल दानेदार सा हमें दूध चाहिए। तो हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, इस तरह का जो है हमें दानेदार दूध कर लेना है। तो अब ये हमारा दूध बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे पिसे हुए रोटी का पाउडर। हमें फ्लेम को लो कर देना है और थोड़ा थोड़ा करके हम जो है इसे पाउडर को डालेंगे और अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। और फ्रेंड्स, इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक खूब अच्छे से पका लेना है, क्योंकि रोटी हमारी क्रिस्पी फ्राई थी। और इसे अच्छे से पका लेना है ताकि हमारी अच्छे से रोटी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। और लगातार हमें जो है चम्मच को चलाते रहना है, हमें हाथ को रोकना नहीं है। तो हमें 4 से 5 मिनट तक इसे बिल्कुल इसी तरह से चलाकर पकाना है। और फिर हमने फ्रेंड्स जो थोड़ा सा चीनी बचा के रखा था आधा कप, अब जो है इस स्टेज पर हम उस चीनी को डाल देंगे। तो इस तरह से चीनी डालने से इस मिठाई में जो है बहुत ही अच्छी सी शाइन आती है। और फिर इस जो है हम इसे तब तक पकाएंगे ताकि खूब अच्छे से चीनी हमारी इसमें मिल जाए। और आप देख सकते हैं कि ये जो है कितना अच्छा, कोई कह ही नहीं सकता कि इसे हमने बासी रोटी से बनाया है, बिल्कुल दानेदार बना है ये। जिस तरह से हम बाज़ार से लेकर आते हैं मिल्क केक, उसी तरह का जो है ये इसका टेक्सचर है, आप देख सकते हैं। तो अब हम जो है गैस को बंद कर देंगे और हमने ये जो तैयार करके रखा हुआ था इसमें हल्का सा ऑयल लगा के इसे ग्रीस कर देंगे और इसमें फिर जो है थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देंगे।
और डालने के बाद इसे अच्छे से हम सेट कर देंगे। तो आप जो है आप इसे चाहे जैसे जिस आकार में भी बनाना चाहें, आप चाहे तो थाली में या ट्रे में भी बना सकते हैं, जिस तरह का आप इसे शेप देना चाहें उस तरह से दे सकते हैं। तो आप चाहें तो फ्रिज में भी रख दें, नहीं तो कमरे में भी इसे 20 से 25 मिनट के लिए रख दें और ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है। तो ये देखिए अब हमारी मिठाई बिल्कुल बन करके तैयार हो गई है, हमने इसे निकाल लिया है। तो ये देखिए कितना अच्छा बना है, बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है और इसका टेक्सचर, इसका कलर देखिए बिल्कुल बाजार से हम जो लाते हैं मिल्क के, बिल्कुल उसी तरह से बना है। इसे हम कट करके आपको दिखा रहे हैं। और फ्रेंड्स अगर आप सबको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है और अब हम जो है इसको तोड़ करके आपको दिखा रहे हैं कि ये कितना सॉफ्ट और कितना ही टेस्टी बना है। ये देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट है, ये देखिए बहुत ही आराम से टूट जा रहा है, बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाने वाली ये मिठाई हमने बनाई है। ये जो है बासी रोटी की बनने वाली बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये हमारी मिठाई बनी है, ये मिल्क केक। तो फ्रेंड्स आप सब भी इसे बनाइए, ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़े की बनती है। तो ये देखिए इसे हमने इस तरह से इस शेप में कट कर लिया और अब इसे हम थोड़ा सा जो है इसे मेवे से हम गार्निश कर देंगे। आपके पास जो भी हो गरी, किशमिश, काजू बादाम आप जो है इस पे लगा दें। तो ये देखिए इसका लुक कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, कोई कह ही नहीं सकता कि इस मिठाई को हमने घर में बनाया हुआ है, वो भी बची हुई रोटी से। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।